तो हेलो वॉचअप रिंगा एज वेलकम बैक टू नदर न्यू वीडियो ऑफ क्राफ्टर एसएमसी तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे प्यार लवली कमेंट है लवली वाला शॉर्ट आउट और चलते हैं प्यारे से वीडियो की ओर तो गाइज एक्चुअली ये जो हमारे दोस्त हैं हिम्मत भाई इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा ही अच्छी हेल्प कर दी हमें दे चुके हैं ये एंडर चेस तो so, गाइज पहले ही बता देता हूँ क्राफ्टर एस के अंदर भी एंडर चेस सेम तरीके से बनती है जो कि नॉर्मल सर्वाइवल के अंदर बनती है ठीक है आपको एक uh, एंडर आई चाहिए या तो एंडर आई या तो एंडर हाँ जो भी है एंडर आई चाहिए होती है और आपको चाहिए छः ऑप्शिजन जो नॉर्मल रेसिपी होती है वही रेसिपी आपको चाहिए अगर आपके पास वो सारा सामान होगा तो आपके क्राफ्टिंग टेबल के अंदर आ, ये बता देगी और डायरेक्टली आप वहाँ से क्राफ्ट आ, आ, क्राफ्ट कर सकते हो ठीक है तो मेरे को मेरा जो एंडर चेस्ट है उसके अंदर सारा मेरा जो भी कलेक्शन मैंने अभी तक बनाया वो सारा सामान उसके अंदर मुझे डालना है और वो डालने के बाद गैस मैं आपको मिलूंगा बिकॉज़ यार मेरा भाई है ना सब चुरा लेते हैं इसलिए तो गैस हमारे को हिम्मत भाई अभी एक बंदे के बारे में बता रहे थे उनका नाम ये रहा देखो पम्पकिन भाई ये बहुत बड़े स्कैमर है तो इनसे क्राफ्टर में बच के रहना ठीक है तो भाई हम को बहुत बड़ा थैंक यू भाई हिम्मत भाई को बहुत बड़ा थैंक यू तो गैज़ हमारा शॉप का सबसे पहला ऑर्डर आ चुका है ये जो हमारे तनवीर गेमिंग भाई है इनको इनकी जो गोलम स्वॉर्ड है वो पूरी मैक्स आउट करनी है ठीक है जैसे कि मेरी स्वॉर्ड है वो जो मेरी पूरी स्वाड है गोलम की वो पूरी मैक्स आउट है और आप इनकी देख सकते हो इनके अंदर कुछ कुछ एंचैनमेंट्स है जो मिसिंग है तो मैंने उनको बोला कि भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज एक्चुअली मेरे को बुक्स बनानी पड़ेगी बुक्स बनाने के बाद तो मेरे को मेरी एक्सपी जो है वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा फिर ही मैं इनकी जो स्वाड है उनको मैं आ, क्या बोलते हैं मैक्स कर सकता हूँ ठीक है तो हमारा पहला शॉप का ऑर्डर आ चुका है तो इन्होंने बोला है कि भाई मैं पाँच छः हज़ार दे दूँगा आपको तो प्लीज़ यार आप कर देना तो मैंने बोला ठीक है भाई चलो मैं कर दूँगा मैक्स आउट और गाइस आज की इस वीडियो का लाइक एम मैं बता देता हूँ दस का है ठीक है तो मैं आज की वीडियो के अंदर मैं आपको गाइस बताने वाला हूँ कि आप लोग कहाँ कौन सी कौन सी चीज़ों से आपको रेड ड्रॉप्स मिलता है जैसे कि गोल्डन फैदर हो गया फिर फायर फ्रेगमेंट हो गया बाउंटी हंटर की बुक हो गई फिर क्विक स्नैपर हो गया मतलब गए एवो हॉर्नस हो गया तो गैस बहुत बहुत तरह के रेड ड्रॉप्स हैं और लैपिस आर्मर रेड आर्मर जो भी है बट कुछ कुछ लोगों को नहीं पता है कि वो कहाँ पे मिलता है कैसे मिलता है क्या करने पर मिलता है और कौन से मॉब से मिलता है तो आज की वीडियो में मैं वही आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे आ, ये सारे रेड ड्रॉप्स आपको मिल सकते हैं ठीक है तो गैस आप लोगों को लोकेशन पता होना ज़रूरी है ये सारे रेड ड्रॉप्स के बारे में बिकॉज uh, कुछ कुछ रेसिपीज़ है जिसके अंदर ये रेड ड्रॉप्स की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जैसे कि गैस आप लोग फ़ैदर uh, नाइन में जाओगे तो वहाँ पर गोल्डन बूट्स होते हैं जिनको बनाने के लिए आपको एक गोल्डन फैदर चाहिए होता है तो वो आपको कहाँ पर मिलेगा वो आपको नहीं पता ठीक है तो मैं आपको देखो उसकी रेसिपी आपको बता देता हूँ मेरे को यहाँ तक मैंने देखा हुआ है फ़ैदर नाइन के अंदर है गोल्डन बूट बूट्स करके Uh, जो कि वो गैस ये रहे देखो गोल्डन फैदर बूच जिसके अंदर देखो गोल्डन फैदर यूज़ होता है तो ये कहाँ पे मिलता है वो आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ तो गैस आपको आना है बर्छ वाले एरिया में बर्छ जो आपको आना है अब बस ये थोड़ा आगे यहाँ पर जाते रहोगे तो यहाँ पर आपको एक डक मतलब डक जो होती है ना डोनल्ड डक मत समझ लेना डक जो होती है उसका आपको एक यहाँ पर एक पौंड मिलेगा ठीक है तो आप जैसे डक को मारोगे तो गैस आपको करीबन 2000 या तो 3000 हज़ार डग मारनी पड़ेगी तब जाके आपको एक गोल्डन फैदर मिलेगा ठीक है एक गोल्डन फैदर जिसके हेल्प से आप बना सकते हो गोल्डन बूट्स जो आपके जो फॉल डैमेज है उसको बहुत ज़्यादा ही कम कर देता है बस ये वाली जो डग्स है आपको इनको मारना पड़ेगा और आपको गोल्डन फैदर्स मिल जाएगा ठीक है और एनचान्ड्रेड फैदर तो आपके पास होंगे ही आपको करीबन दो या चार स्टैक चाहिए एंचांड्रेड फेदर्स के और एक फैदर फैदर तेलिसमान आई I मीन mean, फैदर आर्टिफैक्ट और एक गोल्डन फैदर तो जिससे आपका एक गोल्डन फैदर बूट्स बन जाएगा जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ठीक है और फिर गए अब चलते हैं मैं आपको ले जाता हूँ क्या बोलते हैं कैनवर्स में वहाँ पे मैं वहाँ पे भी गए सबसे ज़्यादा जो तो रेड रेड्स रेड ड्रॉप्स है वो आपको केव्स के अंदर ही मिलेगा जैसे एवो एवोहॉन्स हो गया बाउंटी हंटर हो गया कोई फिर आ, क्या बोलते हैं साइलेंट किलर हो गया ऐसी ऐसी टाइप की जो अलग बुक्स होती है वो ड्राई ड्रॉप्स तो वो सब आपको यहाँ पे ही मिलने वाले हैं और जो दो बुक मैंने आपको बोला जैसे बाउंड्री हंटर फिर ये एक और बुक जो मैंने आपको बोली थी वो लगती है गाइज़ आपके बूमा में जो कि आपका खुलता है आई थिंक सो वो ब्लेस नाइन में खुलता है आई थिंक मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है उसके बारे में तो वो बोमा के अंदर लगती है ये दो बुक्स ठीक है तो वो दो बुक्स भी आप गाइस बहुत ज़्यादा हेम्पुल हेल्पफुल होती है ठीक है हेम्पफुल नहीं हेल्पफुल होती है ठीक है तो आपको गाइज़ जो एवोक एवोकॉन्स है वो आपको ये जो नमूने हैं ये वाले बंदे इनके पास से आपको मिलते हैं और जो फाइव फ्रेगमेंट है आपको करीबन नौ या दस हज़ार मारना पड़ेगा नौ दस हज़ार आप लोगों को वो जो लावा के अंदर घूमते हैं ना उन लोगों को मारना पड़ेगा तब जाके आपको एक फायर फ्रेगमेंट मिल रहा है भाई मैं खुद इतनी ग्राइंडिंग करता हूँ बट अभी तक मेरे को नहीं मिला बट यार आपको यहाँ से ही मिलता है ठीक है तो एवोकॉन्स और जो फायर फ्रेगमेंट वो आपको यहाँ से ही मिलेंगे आ, आप आ जाओ डायमंड सेंटर चले जाओ या तो फिर मैं आपको एक और जगह बताऊँगा वहाँ पर चले जाओ आपको वहाँ पर मिल ही जाएगा ठीक है तो अब गैज हम मैं आपको ले जाने वाला हूँ दूसरी ये क्या कर रहा है अपना सॉरी नहीं नहीं बेडवर्ड्स नहीं बेडवर्ड्स नहीं ठीक है तो गैज अब हम जा रहे हैं अपने आ, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको कहाँ ले जाऊँ मैं आपको हाँ गोलम डैन में ले जाते हैं ठीक है, है क्योंकि जो बाउंटी हंटर है वो आपको यहाँ पर ही मिलेगा ये वाले चाचा जो है जो अपने मुँह से सिर्फ थकते रहते हैं यहाँ से आपको वो बुक मिलेगी जो लगती है अपने बोमा रैंक के अंदर एक बुक इनसे मिलती है और एक बुक जो है वो अपने को मिलती है स्केलेटन से ठीक है तो ये दो बुक्स जो होती है एक बाउंडी एंडर एंड एक साइलेंट किलर ये जो दो बुक होती है वो आपकी लगती है बुमा के अंदर जो बहुत ज़्यादा उसका डैमेज इंक्रीज़ कर देती है ठीक है तो अब मैं आपको ले जाने वाला हूँ दूसरे एक और केव के अंदर जो पता नहीं मैं कहाँ था मैं एक सेकेंड आपको ले जाता हूँ वो केव मेरे को एक्चुअली याद नहीं रहती ठीक है अरे यार बहुत सारे ड्रॉप्स होते हैं तो हर एक रेड ड्रॉप्स के मॉब्स और लोकेशन याद रखना है डिफ़िकल्ट है थोड़ा बहुत ठीक है तो मैं अभी आइलैंड पे जाके जा आइलैंड पे जाऊंगा और फिर आइलैंड से आपको मैं उस जगह पे ले जाऊंगा ठीक है क्योंकि यार थोड़ा बहुत सर्वर लैग हो रहा है इसलिए तो अब हमें जाना है गाइस वापस से अपने केव में जाना है केव में जाने के बाद मैं आपको ले जाऊंगा लेपिस वाले माइन में जहाँ से आपको लेपिस आर्मर और रेड स्टोन आर्मर मिलता है ठीक है तो ये भी कुछ ही लोगों को गाइज पता है हाँ पता होगी बट लोगों को ये पता नहीं है कि भाई कितने मानने पर मिलता है कैसे मिलता है लोकेशन क्या है वगैरह क्योंकि आज भी कुछ लोग हैं जो मेरे को कमेंट करते हैं भाई लेपिस आर्मर कहाँ पे मिलता है रेड स्टोन आर्मर कहाँ पे मिलता है ये चीज़ के लोकेशन कहाँ वगैरह तो मैं आ, आप लोगों को बता देता हूँ ठीक है तो आपको कैनवर्स केव के अंदर जाना है और आप लोग आ जाओगे लेपिस वाली जगह पर जहाँ से आपको लेपिस और रेड मिल सकता है मिल सकता नहीं यही जगह है जहाँ पे आपको लेपिस भी मिलेगा और रेड स्टोन भी मिलेगा और अगर आपको रेड स्टोन आर्मर चाहिए तो आप ये रेड वाला जो है बंदा उसको मारो 2000 और आपको लेपिस आर्मर चाहिए तो वो जो ब्लू वाला ये जो खड़ा है इसको आप 2000 मारो तो आपको मिल जाएगा ठीक है तो ये दो रेड रॉप आप लोगों को इन दो से मिलता है रेड स्टोन आर्मर रेड वाले से और जो लेपिस आर्मर है ब्लू वाला वो ब्लू वाले से ठीक है तो अब गाइज हमें जाना है गोल्डन केव के अंदर मतलब गोल्ड केव के अंदर जहाँ से आपको मिलता है साइलेंट किलर की बुक तो चलते हो वहाँ पे तो गाइज हम लोग आ चुके हैं फाइनली गोल्ड केव के अंदर जहाँ से आपको गोल्ड आयन वगैरह मिल सकता है और साइलेंट किलर की बुक ये चाचा कुमार के ठीक है स्केलेटन का आप मारोगे दो या तीन हज़ार पता नहीं कितने मारने के तो आपको साइलेंट के लेकर एक बुक मिलती है जो कि लगती है बुमा के ऊपर और वो बहुत ज़्यादा ओपी डैमेज देती है ठीक है तो बस कैसे आज की वीडियो यही एंड अप करता है होप्स आप लोगों को वीडियो में ज़रूर मज़ा होगा और आप सार, आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे कि कौन से कौन से मॉब से आपको रेड ड्रॉप्स मिल सकता है और कौन सी क्या चीज़ें मिलती है ठीक है तो इस वीडियो को लाइक एम बीस का है और दस का प्लीज़ यार ज़रूर लाइक करना और जितना हो सके सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना जरूर और वीडियो को शेयर करना तब तक के लिए गाइस सी यू टाटा एंड बाय बाय